घर में इमरजेंसी लाइट के लिए आजकल इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। इन्वर्टर का वर्किंग समझने के लिए इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है। एक स्विच सॉकेट प्लग के ऊपर फिट किया है, जो दीवार पे वॉल सॉकेट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे 230 वोल्ट लाइन से आता है अपने एनर्जी मीटर और मेन स्विच के। बाद में दो वायर लाल और काले इन्वर्टर के पीछे जहाँ लाइन वोल्टेज लिखा हुआ है, लाइन न्यूट्रल और अर्थ। तीसरा वायर अर्थ यूज़ किया जा सकता है, जो मेटल बॉडी को लगाया जा सकता है। प्लास्टिक बॉडी है तो अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टर के अंदर से दो वायर आते हैं, लाल और काले। काला वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, लाल वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर रहता है। बैटरी 800 वाट के इन्वर्टर के लिए करीब 150 एम्पियर आवर या 200 एम्पियर आवर का यूज़ किया जा सकता है। 400 वाट के इन्वर्टर के लिए 100 या 75 एम्पियर आवर का बैटरी यूज़ किया जा सकता है। इन्वर्टर के पीछे एक इन्वर्टर सप्लाई का सॉकेट रहता है, जिसमें एक सिंगल वायर रहता है, जो स्विच बोर्ड के इन्वर्टर लाइन को आता है। बाकी जो स्विचेस है उस पर इन्वर्टर का मेन लाइन आते हुए नॉर्मल सप्लाई का फेज आता है, न्यूट्रल आता है और अर्थिंग आता है। बैटरी कनेक्शन के अलावा यहाँ पर इन्वर्टर के पीछे एक ओवरलोड रिले रहता है। ज़्यादा करंट लेने पर ओवरलोड ट्रिप हो जाता है। इन्वर्टर के सामने कंट्रोल पैनल रहता है, जहाँ पर एक पुश बटन जिसमें दो एनो कॉन्टैक्ट रहते हैं, अंदर का रिले और इन्वर्टर ऑन करने के लिए। जब नॉर्मल सप्लाई चला जाए, इन्वर्टर के ऊपर लोड आता है, बैटरी से इन्वर्टर डीसी करंट खींचता है और उसे इस एसी साइनसोइडल स्क्वायर वेव या ट्रेपेजॉइड वेव में कन्वर्ट करता है। जब इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो ये वाला प्लग निकाल कर, इन्वर्टर का ये सप्लाई का प्लग निकाल के प्लग लगा दिया जाता है। इसमें लाइन और न्यूट्रल का मार्किंग रहता है प्लग के ऊपर। जहाँ लाइन है वहाँ लाइन लाल वायर, जहाँ एन है वहाँ न्यूट्रल। इसी प्रकार इन्वर्टर का प्लग, इसमें पीला वायर जो लाइन में लगा है, यहाँ लगा देने से नॉर्मल सप्लाई यहाँ पीले वायर में आएगा और स्विच बोर्ड काम करेगा। इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी इन्वर्टर और बाकी पूरा अलग हो गया। मेन लाइन से स्विच बोर्ड को सप्लाई आ रहा है। धन्यवाद।